Any president, Indian, sorry, if any Indian citizen is leaving India, Jane leaving India as a crew member of Indian ship, then in that case, the second basic condition is.

Q दिया है तो आई एम रीडिंग सिटीजन है और वो एक मेंबर मतलब, मतलब, ऑफ इसको एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब देर विल बी ओनली वन बेसिक फर्स्ट बेसिक कंडीशन दैट इज 182 डेज वाला बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल टू हिम इधर तक समझने के बाद लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्दर

इसका आदर डाल दो अज्यूमिंग दैट हिज स्टे इन इंडिया इन द लास्ट फोर इन इज 400 डेज मतलब लास्ट चार साल में वो 400 दिन के लिए इंडिया में था पर वो हम लोग दो मिनट के बाद देखेंगे दो मिनट के बाद देखेंगे इंफॉर्मेशन क्यों दिया अभी देखते आगे क्या है पर्टिकुलर्स एंड डेट डेट एंटर्ड इन टू दी डी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद दैट इज सिक्स जून एंड डेट एंटर्ड इन टू सी डी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बा मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था जब भी शिप का मामला आता है तभी आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है कितने दिन इंडिया में था कितने दिन आउटसाइड इंडिया था तो इसीलिए सीधा उन्होंने एक रूल बनाया साइन इन एंड साइन ऑफ मतलब साइन इन जो दिन पे वो बंदा शिप पे गया एज पर सी डी सी कौन सा दिन था वो सिक्स ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और तक वो पर्टिकुलर शिप पे था नाइन्थ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक मतलब ये जो पीरियड है ऐसे हम अज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज नॉट इन इंडिया ऐसे अज्यूम करेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज नॉट इन इंडिया ओके okay, नाउ मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि क्या करना चाहिए कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना चाहिए इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को ये बताया था देख कैसे आइडेंटिफाई करना नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ये ऐसे आइडेंटिफाई करना फर्स्ट क्या है टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ प्रीवियस ईयर बाद में माइनस करो नंबर ऑफ डेज एज पर सीडीसी कि कितना दिन उधर था माइनस वो छोड़ के घूमने के लिए उसके वाइफ के साथ गया वो एक दिन आ, आ, एक बार उसके वाइफ के साथ गया सात दिन उसके बाद उसके तीसरे गर्लफ्रेंड के साथ गया दस दिन तो वो सत्रह दिन टोटल हुए कि नहीं तो so, सत्रह दिन में हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे बिकॉज ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर दो सेवनटीन डेज ऑल्सो राइट सो वो भी हम लोग माइनस करेंगे मतलब ये जो है ये काम के लिए बाहर गया और ये जो है फॉर एनी अदर वर्क ही हैज गॉन आउट पर दोनों टाइम पे वो बाहर ही था ना तो वेनएवर विल कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस वी विल विल्सोर वेन एवर विल कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया वी विल ऑल्सो कंसिडर कमर्शियल कमर्शियल आउटिंग एंड पर्सनल आउटिंग ठीक है ओके एक बार अभी देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज इन फाइनेंशियल ईयर 2122 कितना था ये लीप ईयर नहीं है इसीलिए 365 माइनस समथिंग नाउ ये 365 माइनस समथिंग समथिंग मतलब क्या ये पीरियड अभी ये पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करना है 6th जून से लेके 9th ऑफ दिसंबर नाउ शुड आई स्टार्ट विद 7th ऑफ जून 7 8 9 10 और शुड आई स्टार्ट विद 6th

We have to be sure that whatever we are computing is the perfect computation. jo bindas kar मैं मैं करता था मैं अभी भी करता hu मैं khulle बोलता bolta मैं अभी भी करता karta hu मुझे मालूम है इससे isse नहीं होते ठीक है ओके तो जून के ट्वेंटी फाइव July के कितने हैं थर्टी वन August के कितने हैं थर्टी वन और जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टोबर नवम्बर एंड डिसम्बर के कितने आएंगे डिसंबर के नहीं Now we will compute total कितनी हो गए। करने है, अभी मैं करूंगा भाई ये 187 days के लिए ही आउटसाइड इंडिया ऐसे मानेंगे और 187 में किससे माइनस करूंगा थ्री हंड्रेड एंड 65 से माइनस करूंगा और हम लोग देखेंगे कि कुछ पर्सनल लीव के बारे में कुछ लिखा है क्या इधर पर्सनल लीव के बारे में लिखा नहीं है एंड दैट इज वाई सीधा कंप्यूट करेंगे आंसर मतलब 178 डेज के लिए 178 डेज के लिए ही वॉज इन इंडिया नाउ यू ओनली टेल मी अभी ये सेवेंटी आइडेंटिफाई करने के बाद एक मिनट पूछा क्या है उन्होंने पूछा क्या है उन्होंने ये तो देख उन्होंने बोला है डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी नाउ देख 178 डेज के लिए फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में था इज ही फुलफिलिंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन

आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव गॉट द नैक ऑफ राइटिंग बट जिन्होंने मेरा फुल कोर्स बैच नहीं लिया है उनके लिए मेरे साइड से एक सजेशन uh, मान सकते हो कि कैसे एग्जैक्टली exactly आंसर लिखना है सी देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मैट ऑफ राइटिंग द टैक्स आंसर्स प्लीज ये किसी ने भी बोला रहेगा जस्ट इग्नोर दैट बिकॉज ऐसा कुछ भी फॉर्मैट नहीं है मेनली तेरे पॉइंट्स तेरे आंसर में आने चाहिए वो जो पॉइंट्स टेक्निकल होने चाहिए क्या येस वर्ड्स शुड बी टेक्निकल बट लैंग इट इज़ ओके इफ द लैंग्वेज इज़ नॉट टेक्निकल मतलब कनेक्टिंग सेंटेंस बनाना तेरे लैंग्वेज में बना बट तेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट उधर बराबर आना चाहिए सेकंड चीज़ वर्ड्स एग्जैक्ट आने चाहिए मतलब बेसिक बेसिक कंडीशंस बेसिक कंडीशन ही लिखना चाहिए एडिशनल कंडीशंस में एडिशनल कंडीशंस ही लिखना चाहिए एड ऑन कंडीशन ऐसा कुछ नहीं एडिशनल कंडीशन ऐसा ही आना चाहिए पर्सन के टाइम पे पर्सन ही आना चाहिए असैसी के टाइम पर ही आना चाहिए मतलब मुझे एक चीज क्या बोलना है कि आ, जो टेक्निकल टैक्स के वर्ड्स है ना वो चेंज मत करो आजू बाजू का तुम लोग लैंग्वेज खुद का लिख सकते हो बट टैक्स के वर्ड्स चेंज मत करो सो so, कैसे लिखना है पॉइंट नंबर वन यू ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोविजन बिकॉज ही यू हैव गॉट द आंसर राइट यू अंडरस्टूड दैट योर आंसर इज नॉन रेसिडेंट हाउ डिड यू गेट दैट आंसर ंग यू अप्लाइड समोविजन एंड देन यू गॉट दाइट सो इधर लिखने के टाइम पे ना यू डोंट गेट कंफ्यूज मुझे क्या लिखना है राइट right? सो so, कैसे लिखना है क्या लिखना है उसके बारे में बताऊंगा क्या करना है देख इन दिस केस फर्स्ट टू स्टार्ट विदविजन प्रोविजन से स्टार्ट कर एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन इट इज प्रोवाइडेड दैट द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट पर्सन इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द

ओके okay, इधर तक तूने प्रोविजन तो लिख दिया बराबर प्रोविजन लिखने के बाद इन द प्रेजेंट केस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ ऑफ क्रू ओके ये लिखने के बाद तू तेरा जो फैक्ट्स ये जो तूने लिखे ना वो प्रोविजन से मैच कर प्रोविजन से कनेक्ट कर हाउ कनेक्ट दैट प्रोविजन डज डज इन द प्रेजेंट केस सिंस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड एज अ में सॉरी मेबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप द सेकेंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन हिस्स केस एंड दैट इज वाई वी नीड टू चेक द फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ वन हंड्रेड एंड एटी टू डेज उसके बाद लिख

उसके बाद कंक्लूड करना है सिंस मिस्टर आनंद इज नॉट स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन हंड्रेड एंड एट्टी टू डेज ही विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट एकदम परफेक्ट है अगर ये तुझे लिख के लेना है

Uh, मैं बता रहा हूं कि प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है सिंस यू आर टेकिंग फास्ट सिंस यू हैव टेकन फास्ट ट्रैक लेक्चर्स सिर्फ मूवी जैसे मत देखना सिर्फ मूवी जैसे मत देखना तुम लोग को राइटिंग प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं तुम लोग के पीछे हूं कि uh, अगर तुझे ये लिख के लेना है यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक सो दैट तुझे समझेगा कि मैं एग्जैक्टली exactly क्या बोल रहा हूं ओके ठीक है लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन टू ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर हंड्रेड डेज इन एवरी फिनेंशियल ईयर नाउ ब्रेटली है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है वो इंडिया में एवरी ईयर हंड्रेड डेज के लिए आता है दिस बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट टेन फिनेंशियल ईयरस पिछले दस फिनेंशियल ईयर में एवरी ईयर वो बंदा हंड्रेड डेज के लिए इंडिया में आता है नाउ फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वेन एवर यू सी असेसमेंट ईयर यू हैव टू फर्स्ट चेंज इट टू द फिनेशियल ईयर दट इज फाइनेशियल ईयर ट्वेंटी टू फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकलना है सी नाउ वेन एवर दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस डोंट जस्ट फाइंड वेदर इज अ नॉन रेसिडेंट और अ रेजिडेंट पर्सन यू हैव टू फाइंड अगर वो रेसिडेंट हुआ तो वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है ये भी तुम लोग को देखना इंपॉर्टेंट है तो पहले देखते हैं पॉइंट नंबर ए का आंसर कि एग्जैक्टली क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन है वो एक इंडिविजुअल है

आने वाला में देखते हैं आने वाला में इंडियन सिटीजन देखिए इधर लिखा है इंडियन सिटीजन और अ फॉरेन सिटीजन बट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब इंडियन सिटीजन हो सकता है या फॉरेन सिटीजन हो सकता है हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर विजिट अगर ये सिचुएशन होगा देन इन दैट केस उसके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इंडियन सिटीजन और अरेन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनके लिए ही सिर्फ ये बेनिफिट दिया है बट मेरे एग्जाम्पल में कौन है वो मेरे एक्साम्पल में वो ब्रेटली है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर डू यू थिंक ब्रेटली इज एन इंडियन सिटीजन नो तो ये तो पॉइंट गया सेकेंड डू यू थिंक ही पॉइंट गया सो कैन एर ये भी गया सो विच मीन्स कैन एल नॉट फॉलो अंडर द एक्सेप्शन

उसमें एक छोटा सा कंडीशन है फोर पास्ट फाइनेंशियल में यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और मोर देन थ्री सिक्सटी फाइव डेज नाउ अभी करंट ईयर का देखते हैं करंट ईयर में हंड्रेड डेज सो कैन आई सी ही इज फुलफिलिंग दिस यस एंड पास्ट फोर फाइनेंशियल ईयर में ही शुड बी इन इंडिया फॉर मोर देन थ्री सिक्सटी फाइव डे सो कैने से वो पिछले चार साल में वो दस साल से इधर है ये फिफ्थ ईयर है पिछले चार साल में एवरी ईयर वो हंड्रेड डेज के लिए आता था थाने so, से फोर हंड्रेड डेज हो गए उसके पिछले चार साल में रेसिडेंट पर्सन बट इधर ही तुम लोग को नहीं छोड़ना है यू हैव टू ऑल्सो चेक वेदर ही इज आर ओ आर ऑर आर एन ओ आर नाउ फॉर आर ओ आर एन आर एन ओ आर यू हैव टू चेक दीज कंडीशन इफ यू सैटिस्फाई None. एक भी सैटिस्फाई नहीं किया देन यू आर आर ओ आर बट इफ यू सैटिस्फाई एनी वन देन यू विल बिकम वॉट आर एन ओ आर आर एन ओ आर अभी ये जो दो कंडीशन है इफ यू कंपेयर दीज कंडीशन मॉड्यूल देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल फाइंड दैट देर इज अ डिफरेंस इन द कंडीशंस देन यूल से अमित सर ने कुछ गलत सिखाया अदरवाइज यूल से मॉड्यूल में कुछ गलत दिया है ओके बट ऐसा नहीं है इफ यू रीड द कंडीशन केयरफुली दोनों के मतलब सेम है दोनों के मतलब सेम है आप पढ़ो आपको समझेगा कि क्या मतलब सेम है बोल रहा हूं मैं ठीक है जस्ट मुझे सिर्फ एक चीज बोलना है कि टेंशन मत लेना जो सिखा रहा हूं वो बराबर सिखा रहा हूं ठीक है पॉइंट नंबर वन स्टे ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन डेज और लेस इन इंडिया ड्यूरिंग सेवन प्रीवियस ईयर इमीजिएटली प्रिस द प्रीवियस ईयर ये साल छोड़ के पिछले सात साल में आई शुड बी इन इंडिया आई शुड बी स्टेइंग इन इंडिया for uh, uh, less than 729 days equal to or less than 729 days ye eighth year hai pichle 7 saal mein i should be staying in india for less than or equal to 729 days mujhe pata since that bretley is coming to india for 10 years so can i say i will have the data for the first condition sab wo to 7 saal ka hi puch raha hai बट इधर सात साल नहीं विल हैव टू कंसीडर द एट्थ ईयर बिकॉज ये एट्थ ईयर है ना सो so पिछले सात साल बट ओके वी हैव द डेटा फॉर टेन ईयर्स कैन आई से टेन ईयर्स हंड्रेड डेज ही एवरी ईयर तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है सो हंड्रेड डेज इफ इफ आई आई गेट कैलकुलेट दिस इन टू सेवन हंड्रेड कैन आई से ब्रेटली वॉर स्टेइंग इन इंडिया फॉर लेस देन सेवन ट्वेंटी एंड दैट इज वाई ही इज फुलफिलिंग द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन नाउ ही सैटिस्फाइड एनी वन मतलब वो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली आर एन ओ आर बन जाएगा नाउ ये टाइम पास मत करना सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने का अरे क्यों करना है क्यों बहुत, तेरे पास लाइफ में बहुत टाइम रहेगा ना तो कर टेंशन नहीं है बट बट जरूरत ही नहीं है ना बिक ही सैटिस्फाइड एनी वन ऑफ and एंड दैट इज don't डोंट कंप्यूट दी यू मैंशन अबाउट द सेकेंडिशनल कंडीशन बट डोंट कंप्यूट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द आंसर ऑफ वन अगर तूने ऐसा लिख के छोड़ा ना एग्जाम बोलेगा इसको बराबर बर से आता है इसको बराबर से आता है और ये ज्यादा टाइम पास नहीं करता एग्जाम में ठीक है ना ओके okay. ये है तेरा पॉइंट और वो कौन बन जाएगा ऑटोमेटिकली आर एन ओ आर बन जाएगा एकदम परफेक्ट दोस्त एक नंबर ओके विल मूव अहेड विद इज वुड योर आंसर चेंज इफ अबाउ फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट्स इंडियन क्रिकेट टीम अभी क्या चेंज हुआ है वो जो ब्रेटली था ना वो ब्रेटली के जगह पे उन्होंने बोला है श्रीकांत को लाओ जो जो इंडियन सिटीजन है श्रीकांत को लाओ वो इंडियन सिटीजन है एक एक चीज उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला है एक चीज इधर चिल्ला चिल्ला के बोला है कि पहले जो ब्रेटली था ना वो ब्रेटली इंडियन सिटीजन भी नहीं था और वो इंडियन ओरिजिन का भी नहीं था बट पॉइंट नंबर टू में उन्होंने बोला अभी जो मैं तुझे एग्जाम्पल देने वाला हूं वो श्रीनाथ है और वो इंडियन सिटीजन है भाई अभी समझ वो क्या बोल रहे हैं मतलब उनको तुझे दे आर आस्किंग यू टू चेक द एक्सेप्शन विच वी डिस्कस्ड वो सेकेंड बेसिक कंडीशन का जाने वाला आने वाला में आने वाला में इफ एनी इंडियन सिटीजन और अ फॉरन सिटीजन हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इन टू इंडिया फॉर विजिट

कमिंग इन टू इंडिया एंड फॉर विजिट ये किधर लिखा है ये देख ऊपर लिखा है फॉर विजिट बराबर है ओके सो सेकेंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल बट उन्होंने याद है क्या मैंने तुम लोग को एक बताया था अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट आया था तो उन्होंने एक चीज बोला था अमेंडमेंट आया था तो उन्होंने एक चीज बोला था दैट द इफ यू आर फॉलोइंगिस इफ यू आर फॉलोइंग अंडर धिस एंड इफ यूर टोटल इनकम इफ यूर टोटल इनकम अदर देन फॉरन सोर्स इनकम मतलब इंडियन इनकम सेकेंड बेसिक कंडीशन ऐसा दिखेगा अभी ये क्या है टोटल इनकम इज मोर देन फिफ्टीन लैक्स अभी तो उन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं तो हम लोग अज्यूम करते कि उसका मोर देन फिफ्टीन लैक्स है तो ऐसा तुझे कंडीशन ऐसा दिखेगा अभी सिंस ही इज देयर इन इंडिया फॉर हंड्रेड डेज तो ये तो कंडीशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं बराबर नाउ सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है ही शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन हंड्रेड ट्वेंटी डेज ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा बिकॉज ही इज नॉट स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज विच मीन्स दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल विच मीन्स कैन आई से ये बंदा इधर फॉल हो जाएगा एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा सेकेंड बेसिक कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है फर्स्ट वैसा भी नहीं हो रहा है देन इन दैट केस वो बंदा बन जाएगा नॉन रेसिडेंट बिकम नॉन रेसिडेंट एकदम परफेक्ट आई होप समझा तुम लोग को जो मैंने डिस्कस किया कैसे मैं मुझे सिर्फ एक चीज समझना कि कैसे मेरा फ्लो जा रहा है कि मैं कैसा देख रहा हूं क्वेश्चन और कैसे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को ठीक है व्हाट बी जो अमेंडमेंट का, का पार्ट था हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज का वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज का फुलफिल करता अगर वो हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज का फुलफिल करता तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला लास्ट फोर फाइनेंशियल इयर्स में एवरी ईयर वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड ट्वेंटी आ रहा था सो कैन आई सी ही इज कमिंग इन टू इंडिया फॉर फोर एटी डेज फॉर द लास्ट फोर इयर्स डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो मोर देन थ्री सिक्सटी फाइव डेज सो इन इन शॉर्ट ही इज फुलफिलिंग द सेकेंड बेसिक कंडीशन एंड दैट इज वाई ही विल बिकम वॉट बिकम वट डायरेक्टली आर एनओ आर अगर तेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुझे समझेगा मैंने डायरेक्टली आर एनओ आर क्यू बोला तुझे तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुझे समझेगा कि ये डायरेक्टली आर एन ओ क्यू होगा बराबर है ओके ठीक है ये तेरा हो गया पॉइंट नंबर सी अभी हम आगे जाते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करते हैं अभी एक जी वाला ओके okay, शुरू करते हैं इलेस्ट्रेशन एट्ली कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एजड थर्टी फाइव ईयर्स ओके थर्टी फाइव ईयर्स का है बींग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब ये इधर मैंने लिख दिया आर ओ आर उसके बाद बींग आर एन ओ आर एंड बींग एन आर मतलब तीनों के केस में हम लोग को बताना है कि इसका ये वेदर दिस ट्रांजेक्शन विल बी टैक्सेबल और दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी टैक्सेबल नाउ ये पढ़ने के पहले अगर तुझे ये चीज याद नहीं होगा तो क्विकली मैं तुम लोग को बताता हूँ कि क्या था ये देख ऐसे याद नहीं होगा होना नहीं चाहिए बिकॉज अभी तुम लोग ने पढ़ा होगा ये बट ठीक है नो no प्रॉब्लम इधर आता हूं मैं अगर इंडियन इनकम होगा भाई अगर सुन ले अगर इंडियन इनकम होगा तो आरओ आर को देखने का ही नहीं आर ओ आर तो हमेशा टैक्सेबल होगा इंडियन इनकम होगा आर एनओ आर तो हमेशा टैक्सेबल होगा एंड एनआरबी हमेशा टैक्सेबल होगा सो इंडियन इनकम होगा ना अपना लाइफ बहुत शॉर्ट है मतलब कंप्यूटेशन का लाइफ बहुत शॉर्ट है ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा बट अगर वो फॉरेन इनकम होगा हमेशा किसका कटता है आर ओ आर का कटता है हमेशा हमेशा ROR को टैक्स भरना बेसिकली आर ओ आर को ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल बराबर है ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल सो इंडियन इनकम होने दो या फॉरेन इनकम होने दो हमेशा आर ओ आर को टैक्स भरना पड़ेगा अभी आर एनओ आर पे आते हैं आर एन ओर के एक मिनट आर ओ आर पे एक मिनट के बाद आएंगे विल टॉक अबाउट एनआर एनआर राइट नाउ के लिए इंडियन इनकम तो टैक्स हो जाएगा बट फॉरन इनकम टैक्स नहीं होगा बिकॉज यार एन बोलेगा भाई इंडिया का संबंध क्या है मैं खुद नॉन रेसिडेंट हूं मैं फॉरेन का इनकम इंडिया में टैक्स टैक्स क्यों भरूं? बिकॉज इंडिया से मेरा कुछ संबंध ही नहीं है नाता ही नहीं है भाई और इसीलिए फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल फॉर एनआर ओके ओके उसके बाद अभी ये हुआ ये हुआ अभी बात करते हैं इस पर इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉरेन इनकम सिर्फ स्पेसिफिक इनकम होते हैं इनकम टैक्स होंगे जो बिजनेस इनकम है जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है होली और पाटली वो बिजनेस इनकम आर एनओ आर के लिए टैक्स हो जाएगा एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया बेसिकली बिजनेस इन प्रोफेशन जो इंडिया से कंट्रोल होते हैं और इंडिया में सेटअप हुआ है वही इनकम के लिए टैक्स होगा बाकी कुछ भी इनकम आर एन ओ के लिए टैक्स नहीं होगा एम टॉकिंग अबाउट फॉरन इनकम मतलब है है, है, पर वो फॉरन कंपनी इंडिया से कंट्रोल होता है अगर इंडिया से कंट्रोल होता है तो इंडिया से रिलेटेड जो जो इनकम है और यू you नो know, जो फॉरन कंपनी का जो जो इनकम है वो फॉरन इनकम वो फॉरन इनकम एनआर आर एन ओ के लिए टैक्स हो जाएगा ओके okay, बाकी कुछ भी होने दो बाकी कुछ भी होने दो इट इज नॉट टैक्सेबल बट बिजनेस का अगर होगा जिसका इंडिया से नाता है वो आर एनओ को टैक्स हो जाएगा थोड़ा मैंने तुम लोग को बता दिया कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं uh, क्वेश्चन पे इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड फिफ्टी परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया अभी देख रिसीव कितना हुआ क्या हुआ तेल लगाने गया आर के, के केस में बिकॉज आर आर तो हमेशा टैक्स भरने वाला है बराबर तो इसीलिए ना इधर पूरा का पूरा टेन के उसके लिए टैक्स होने वाला है पूरा का पूरा टेन के इसके लिए टैक्स होने वाला है नाउ इंटरेस्ट ऑन यू के डेवलपमेंट बॉन्ड फिफ्टी परसेंट ऑफ इंटरेस्ट इज लिए तू बता ओके आर एन ओवर एक मिनट के लिए बाजू में रख एनआर के लिए तू बता कैन आई से फिफ्टी परसेंट इज ओनली इंडियन इनकम तो इसीलिए इधर उसके लिए फाइव थाउजेंड रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज टैक्स होगा आरएन और के लिए सिर्फ कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं जो जिनका बिजनेस है और प्रोफेशन है जिसका सेटअप हुआ है इंडिया में और जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल होता है पर ये कुछ ऐसा बिजनेस बिजनेस को कुछ बात कर रहा है क्या नहीं मतलब इसीलिए जितना रिसीव हुआ उतना ही सिर्फ उसका इंडियन इनकम माना जाएगा एकदम परफेक्ट है ये देख ये उन्होंने लिखा है 10000 5000 5000 ओके ठीक नेक्स्ट

नेक्स्ट पॉइंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी खत्म इंडियन कंपनी के मतलब इंडियन से इनकम जनरेट हुआ है मतलब टोटल पूरा टैक्स होगा सबको टैक्स होगा ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन यू थिंक ओनली फ्रॉम आरओआर आरओआर के पर्सपेक्टिव से अगर तू आरओआर है तुझे ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है इंडिया में कमा बाहर कमा तुझे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा अभी आर एनओ आर के लिए पूरा का पूरा 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 का का टैक्स टैक्स हो हो जाएगा जाएगा डेफिनेटली यू थिंक फ्रॉम के लिए क्या डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन इधर कुछ बिजनेस प्रोफेशन का कुछ है क्या नहीं इन दिस केस डू यू थिंक आर एनओ आर को इंडिया में कुछ टैक्स भरना पड़ेगा बिकॉज इंडियन इनकम नहीं है फॉरन इनकम वो स्पेसिफिक फॉरन इनकम नहीं है और इसीलिए ये कुछ भी नहीं होगा नील और एनआर के लिए भी इट विल एंडी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट आर रिसीव इन इंडिया अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है आर ओ आर के लिए तो कुछ टेंशन है ही नहीं इधर फोर्टी थाउजेंड पूरा ही आएगा अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जर्मनी में हुए हैं एंड फिफ्टी परसेंट आर रिसीव इन इंडिया कहना है आर एन ओ आर के लिए ये बिजनेस प्रोफेशन वाला है नहीं कुछ तो इसीलिए एज सच जो इनकम हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का वो तो टैक्सेबल नहीं है बट उसमें से फिफ्टी परसेंट इंडिया में रिसीव हुए ना और इसीलिए फिफ्टी परसेंट विल बी कम वेयर इंडियन इनकम एंड दैट इज वाई दिस विल बी ट्वेंटी थाउजेंड एन के लिए भी सिंस ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज uh,

इंडियन इनकम नहीं है क्या है फॉरेन इनकम है फॉरेन इनकम कौन सा टैक्स होता है आर एन ओ आर को आर एन ओ आर को कौन सा क्या टैक्स होता है आर एन ओ आर को जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है और जो प्रोफेशन इंडिया से इंडिया में सेटअप हुआ है उनसे जो इनकम uh, आता है वो टैक्स होता है इंडिया में वो इंडियन इनकम माना जाता है अभी इधर मुझे बताओ कि इधर बिजनेस तो जर्मनी का है बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड दैट इज़ वाई एंटायर सेवेंटी थाउजेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आर एन ओ आर ओके okay, तो अभी मैं एनआर के बारे में बात करता हूं एनआर के बारे में कुछ नहीं एनआर के बारे में इंडिया से कंट्रोल होगा तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा बट इधर उन्होंने और एक लाइन लिखा है वर रिसीव्ड रिसीव्ड इन इन इंडिया इन इंडिया इज मतलब विल बिकम इंडियन इनकम परफेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंडन अरे बट बिजनेस तो दिल्ली में है ना तो वो पूरा का पूरा इंडिया में टैक्स हो जाएगा तुम लोग को समझ रहा है कैसे कर रहे हैं हम परफेक्ट नेक्स्ट इधर भी मैं लिख लेता हूं आर ओ आर आर ओ आर एंड एन आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंडन ब्रॉट टू इंडिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक ऑफ लंडन बैंक एट लंडन एंड ब्रॉट टू इंडिया अभी फिफ्टी था अर्न किया था मैंने सो आरओ आर केस में फिफ्टी थाउजेंड तो पूरा टैक्स होने वाला है बराबर है कि नहीं फिफ्टी थाउजेंड तो पूरा टैक्स होने वाला है परफेक्ट अभी जो आर एनओ आर एंड एनआर है तू सोच एनआर के केस में एनआर के केस में हाउस प्रॉपर्टी लेन में Uh, बाद में डिपॉजिट uh, भी रिसीव भी लंडन में हुआ तो इन दिस केस एनआर के केस में इवन इट इज ब्रॉड टू इंडिया फर्स्ट रिसीव का भी हुआ लंडन में हुआ ना एंड इसीलिए इसके लिए नॉट टैक्सेबल आर एन ओ के लिए भी इट विल नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज दो स्पेसिफिक पॉइंट में कवर नहीं हो रहा है परफेक्ट नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन रिसीव तेल लगाने का कौन सा इनकम है इंडियन इनकम है ना तो ये पूरा का पूरा ट्वेल्व थाउजेंड तीनों के हाथ में टैक्स हो जाएगा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंडन मतलब ये इंडिया का पूरा का पूरा संबंध है इसके लिए पूरा एट थाउजेंड सबके लिए टैक्स हो जाएगा प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज्ड फ्रॉम लंडन इंडिया का बिजनेस है तो ये सबके लिए टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देर नाउ प्रॉपर्टी सिचुएटेड रिसीव्ड देर नाउ जो आर ओ आर है उसके लिए कुछ है ही नहीं आर ओ आर के लिए तो सब टैक्सेबल होता है इसलिए पूरा यह सिक्सटीन थाउजेंड इधर टैक्स होने वाला है उसके बाद आर एन ओ आर के लिए क्या होगा आर एन ओ आर के लिए ये कुछ भी टैक्स नहीं होगा बिकॉज कुछ भी इंडियन इनकम नहीं है एंड एनआर के लिए भी कुछ भी टैक्स नहीं होगा बिकॉज कुछ भी इंडियन इनकम नहीं है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट टू टू पे अटेंशन योर पास्ट फॉरन अन टैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस इयर पास्ट फॉरन अन्टैक्स इनकम मतलब पहले साल का कभी तो एक इनकम कमाया था दैट वॉज अनस्ड वो मैंने मुझे लास्ट ईयर कौनसे साल में अक्रू हुआ था कौनसे साल में रिसीव हुआ ये साल में क्या वर्क कर रहा हूँ मैं सिर्फ रेमिट कर रहा हूँ अब ये साल में रेमिट कर रहा हूँ तो मुझे ये साल में टैक्स क्यों लगेगा वो तो पहले के साल का है ना और इसीलिए इवन दो ओनली बिकॉज दिस इज ओनली द रेमिटेंस दिस इज ओनली द रेमिटेंस पहले जो इनकम जो था ना इनकम पहले रिसीव कभी हुआ था वो पिछले सालों में कभी तो तो हुआ था। तो वो पिछले सालों में, केस में भी पिछले सालों सालों में उसकी इनकम में किया होगा। Understand, मैं ये साल में ROR में के भी किया ऐड नहीं करूंगा ये। क्यों? Because ये पिछले साल, for example, दस साल पहले का इनकम है अभी दस साल पहले के इनकम में कहने से दस साल पहले में अगर आर ओ आर होता तो मेरे हाथ में वो टैक्स हुआ होगा और कंसिडर हुआ होगा और तभी कंसिडर होना चाहिए था बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर का है वो एंड दैट्स वाई पास्ट पास्ट फॉर इनकम ब्रॉट टू इंडिया इन दिस ईयर सो ये साल में कुछ भी संबंध है क्या वो इनकम का अक्रू भी हुआ है कि इस साल में वो नहीं हुआ है इसीलिए ये आर ओ आर के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज समझना सिंस दिस इज फॉर द

तो ही मैं इंडियन इनकम मानता हूँ बट प्लीज अंडरस्टैंड रिसीव्ड इन इंडिया मतलब क्या रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब रिसीव्ड इन इंडिया फर्स्ट मतलब जो पहला रिसीट मिलता है ना वो पहले इंडिया में हुआ तो ही वो इंडियन इनकम माना जाता है इधर हुआ क्या अक्रूड आउटसाइड इंडिया बिकॉज ये एग्रीकल्चरल लैंड बाहर था एंड आउटसाइड इंडिया उसके बाद सिर्फ रेमिट किया ना और इसीलिए इसीलिए वो इंडियन इनकम नहीं मानेंगे पर ये इसका आर ओ आर को आर ओ आर का कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं इसीलिए तो इसको टैक्स होने ही वाला है को क्या होगा वो इंडियन इनकम है क्या नहीं है ये भी इनकम है क्या नहीं है तो एनआर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया मतलब अक्रूड आउटसाइड इंडिया विच वॉज इंडिया मतलब बत्ती जलनी चाहिए आर एनओ आर की रिसीव्ड देयर मतलब केनिया में बट स्पेंट इन इंडिया स्पेंट क्या फर्क पड़ता है इन की इंडिया ओनली फ्रॉम आर ओ आर परसपेक्टिव आर ओ आर का तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं उसको तो टैक्स भरना ही है तो इधर फाइव थाउजेंड आ जाएगा नॉ यू थिंक फ्रॉम आर एन ओ आर परसपेक्टिव आर एन ओ आर के केस में वो बंदा इनकम कमा रहा है जिसका इनकम प्रोफेशन से आ रहा है एंड विच इज सेटअप इन इंडिया मतलब इधर ही खेल खत्म इंडियन इनकम बन जाएगा और फाइव थाउजेंड टैक्स होगा नाउ एन आर के लिए विच out ऑज से ओकेजन ऑफ हिस्स वेडिंग सेक्शन नंबर के हिसाब से इट विल बी एग्ज इन इन केस ऑफ आर ओ आर आर एन ओ आर एंड एनआर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपोजिट In SBI. ये इंटरेस्ट है SBI का है का 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 मतलब पूरा का का मुझे टैक्स भरना पड़ेगा बट ऐसा कभी इंटरेस्ट देखते हो ना तभी तो एक और एक बत्ती जलनी चाहिए वो बत्ती होती है सेक्शन नंबर की सेक्शन नंबर एटी टीटी में स्पेसिफिक डिडक्शन दिया है बट फर्स्ट वील द इनकम एंड आफ्टर दैट वी है चैप्टर सिक्स एक चीज सिर्फ दिमाग में रखना बिकॉज वेन एवर विल कंप्यूट द एंटायर इनकम उसके हिस, उसके बाद विल हैव टू रिड्यूस द डिडक्शन वो वो तुम लोग को दिखाऊंगा नाउ नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया आर आर ओ के लिए तो क्या सब कुछ टैक्सेबल है इद, इसके लिए तो इंडियन इनकम कुछ है ही नहीं बिकॉज दिस इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल फॉर एनआर नाउ डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड खेल खत्म इधर फाइव थाउजेंड टैक्सेबल फाइव थाउजेंड टैक्सेबल एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान मतलब ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा अभी उन्होंने बोला है कंप्यूटेशन तो हम लोग ऐसे कंप्यूटेशन करेंगे इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम ऐसे कंप्यूटेशन करो कंप्यूटेशन करने के बाद you गेट द फाइनल फिगर ऑफ थ्री ट्वेंटी थ्री फिफ्टी टू टू एटीन एंड वन एटी थ्री ठीक है ये करने के बाद यू हैव टू रिड्यूस वॉट ए टी 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 ए ए इज मैक्सिमम टेन थाउजेंड का जो डिडक्शन मिलता है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है इसीलिए मैंने सबसे माइनस किया एंड दिस इज आई विल गेट द टोटल इनकम योर दर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे टेस्ट योर डिडक्शन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस बोथ द चैप्टर्स इधर कुछ भी ऐसे दिखा uh, कि एल uh, का कुछ दिखा एल आई सी पेड एल आई सी प्रीमियम पेड या इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट ये बहुत फेमस है तो ये ना थोड़ा सा ध्यान देना ए टी डी का कुछ दिखा तो ये थोड़ा सा ध्यान देना तेरे टोटल इनकम के केस में डिडक्शन करना मत भूलना जी टी आई से ठीक है ये मैंने एक सम uh, सॉल्व किया मतलब uh, ये सम में बहुत सारे ट्रांजेक्शन उन्होंने इधर कवर किए थे सो आई थॉट ऑफ सॉल्विंग ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर यू सो दैट यूल अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट एग्जैक्टली सोचना कैसे बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन Okay, so these, are, these were the questions which I wanted to discuss with you regarding the residential status.